हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों? आज हम आपकी क्लास थर्ड की इंग्लिश की 48 नंबर वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट में आपको अपना नेम लिखना है और डेट लिखनी है जिस दिन आप वर्कशीट को सॉल्व करोगे। हमारा लर्निंग एरिया रहेगा बच्चों रीडिंग एंड राइटिंग। तो बच्चों हमें नीचे सेंटेंस को पढ़ना है, तो जो लाइन सही है उस पर हमें सही का साइन लगाना है। ठीक है, पिक्चर में आप देखो आपको क्या दिखेगा, फिर हमें आंसर देने हैं। बच्चों पिक्चर में देखिए, आपको दिख रहा है ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। तो लड़का दिख रहा है हमें पिक्चर में, तो यहाँ पर बच्चों हमें साइन लगाना है स्टिक का। ठीक है, और दूसरा है बच्चों देयर इज अ डोर, यहाँ एक दरवाजा है। तो दरवाजा है बच्चों दिखाई दे रहा है हमें, तो यहाँ पर भी हमने सही का निशान लगाना है। ठीक है, और थर्ड है बच्चों देयर इज अ फैन। तो बच्चों फैन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी, तो ठीक है, तो यहाँ पर फैन नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्रॉस का साइन। ठीक है, अब अगला है देयर इज अ विंडो। बच्चों विंडो भी दिखाई दे रही थी यहाँ पर, ये दरवाजे के साथ देखिए ये विंडो है। ठीक है, तो ये भी है यहाँ पर हमें फ्रंट में दिखाई दे रहा है, ये आएगा राइट। अब बच्चों अगला है अ बैग इज हैंगिंग ऑन अ नेल। तो बच्चों बैग कील पर टंगा हुआ है, तो बच्चों ये भी टंगा हुआ है। ठीक है, तो इसका भी हमने सही का निशान लगाना है। ठीक है, द बॉय इज लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड, लड़का ब्लैक बोर्ड को देख रहा है। तो बच्चों ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये एक बॉक्स है। ठीक है, क्या है ये, बॉक्स को देख रहा है, तो बच्चों ये भी रॉन्ग आएगा। नेक्स्ट है बच्चों देयर इज अ टेबल, यहाँ पर एक टेबल भी है, मेज है। तो बच्चों ये बात है, टेबल हमें दिखाई दे रही है, तो बच्चों यहाँ पर हमें सही का साइन लगाना है। तो बच्चों इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।